वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फजल है और आज हम अपनी मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले सेट पे बात करते हैं कि सेट क्या होता है। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड और डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सेट होता है वो काउंटेबल भी होता है और वो एक ही सेट से बिलोंग्स करते हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना। अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग आइटम्स होते हैं लेकिन एक ही सेट से बिलोंग्स करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सेट क्या होता है। हमारे पास क्वेश्चन है कि पिक आउट करने हमें कौन सा वेल डिफाइंड सेट है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। तो पहले हमारे पास टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेट कैप्टन से वो सेट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अलग अलग है, ठीक है ना, और एक सेट से बिलोंग करते हैं तो ये हमारा सेट है। तो हम लिखेंगे सेट फ्रंट पे। सेकेंड है टेस्टी फूड आइटम। टेस्टी फूड आइटम सेट है या नहीं है हमें ये मालूम करना है। आप देखेंगे एक ही सेट से बिलोंग्स नहीं कर रहे सारे, अलग अलग बेशक डिस्टिंक ऑब्जेक्ट है लेकिन किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सबके लिए एक जैसे नहीं है तो ये हमारा नॉट सेट होगा और वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड है हमारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं अब तक बने हैं उनका सेट, तो हमें बताना है हाँ ये सबके लिए एक जैसे है, एक सेट से बिलोंग करते हैं तो ये हमारा सेट होगा। हम फ्रंट पे लिखेंगे सेट और डिस्टिंक ऑब्जेक्ट भी है। लास्ट है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर क्योंकि अनकाउंटेबल है, एक ही आपके पास, ये भी क्या आप कह सकते हैं काउंटेबल थिंग्स जो होती है वो सेट होती है, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल है तो हम क्या कहेंगे ये नॉट सेट है। दूसरे अल्फाजों में एक चीज आपको एग्जांपल दे दूं कि सेट असल में होता क्या है। सेट जो होता है ना हमारे पास वो अलग अलग चीजों का मजमू होता है। मिसाल के तौर पर जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो आप उसमें गौर करें, अगर आप कहेंगे पेंसिल कलर्स होते हैं वो आपका सेट है या नहीं, बिल्कुल सेट है क्योंकि हर कलर का पेंसिल्स के जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको कहा जाए पेंसिल, अगर एक एग्जाम्पल आपको इसकी ऐसी दूँ कि अगर सपोज आपके पास एक वर्ड है जैसे हमारे पास वर्ड है ऐसा, एक नाम ले लेते हैं हम किसी का भी ऐसा, तो अगर आप इसको सेट में तब्दील करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ए एच एस एन। रिपीटेशन नहीं होती, हमेशा सिंगल वर्ड एक ही दफा लिखा जाता है, कभी भी सेट में रिपीटेशन नहीं होती, अलग अलग ही लिखे जाते, सेम नहीं लिखे जाते, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने स्टूडेंट से कुछ बहुत कुछ सीखा होगा। तो बाकी जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में बताएंगे कौन से सेट हैं और कौन से नहीं है। अल्लाह हाफिज़।